कल विशेष सत्र बुलाया गया दिल्ली को लेकर के, एक दिन के बदले 2 दिन हो गए, और उस सत्र में एक ही चीज का चर्चा रहा कि केजरीवाल जी की पिटाई होती है, मिर्ची डाली जाती है, पिस्टल की गोली मिलती है, इस पे चर्चा हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ का पुलिंदा है, किस प्रकार से किस प्रकार का कोई पाउडर छोटे से पाउच में डाल करके क्या योजना बना करके उन्होंने किया है, ये उनको ज्यादा जानकारी होगी। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल सदन में, सदन की गरिमा को तोड़ते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देश के गृह मंत्री के बारे में, देश के अन्य मंत्रियों के बारे में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं उसको पूरी तरह कंडम करता हूं। और दिल्ली के भावनाओं को, दिल्ली की नागरिकों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो सत्र बुलाए जाने चाहिए, बल्कि वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, 3 लेयर की उनके सिक्योरिटी है, और वो खुद ही वहाँ कोई नकली कट्टे के कारतूस रखते हैं अपने घर पे, किस प्रकार से पहुँचते हैं। दिल्ली के मेयर को अंदर घुसने के लिए तो बहुत सारी फ्रिस्किंग और अपनी चेकिंग करानी पड़ती है, किस प्रकार से वो आदमी अंदर घुस जाता है, ये मुझे लगता है कोई प्लानिंग के तहत केजरीवाल साहब कर रहे हैं। मैं आदर सहित उन्हें कहना चाहता हूं कि वो दिल्ली की नागरिकों की चिंता करें, बजाय इसके कि वो इस प्रकार की होछी राजनीति में लग गए हैं कि उनको जान के मारने का खतरा है, उनको कुछ इस तरह से मिर्ची लगाई जा रही है, फेंकी जा रही है, ये सब झूठ है। और वो इन सब योजनाओं के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन मेरी सिर्फ प्रार्थना है, प्रभु से भी प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और वो दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए कुछ करें। सीधी लफ्ज में ये कहा जाए कि राजनाथ जी को निकम्मा बोला गया, जो कि होम मिनिस्टर हैं और दिल्ली प्रशासन उनके अंदर आता है, और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि प्रशासन और राजनाथ जी उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। देखिए, पहले भी दिल्ली में शीला दीक्षित जी कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही, और दिल्ली में मदनलाल खुराना जी भी मुख्यमंत्री रहे, तो दिल्ली में दूसरे लोगों की सरकारें थी, तब भी कोई सरकार चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। एलजी साहब